शुरू होगी पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक ऐसा समाचार आया है जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। वैसे तो उत्तर प्रदेश पुलिस के अजीबो गरीब कारनामों से हम अक्सर वाकिफ होते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा कर दिया है कि आप हंसते हंसते सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे और कहेंगे वाह रे पुलिस। जी हाँ, यहाँ पुलिस ने एक मृत व्यक्ति से शांति भंग की आशंका व्यक्त करते हुए उसे समन भेज दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये कारनामा शाहजहांपुर के थाना निगोही के दरोगा का है, जहां एक मृत व्यक्ति से शांति भंग होने की आशंका जाहिर करते हुए समन भेज दिया गया। दरअसल ग्राम ढकिया तिवारी निवासी रमेश सिंह ने पुलिस में शिकायत की कि उसकी जमीन पर राजवीर सिंह कठेरिया ने कब्जा कर लिया है। पुलिस ने पीड़ित रमेश सिंह को इंसाफ दिलाने में तो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उसके और उसके चाचा रक्षपाल सिंह पर शांति भंग होने की आशंका व्यक्त करते हुए 107/16 के तहत मुकदमा कायम कर दिया। लेकिन बात यहीं तक होती तो गली मथी पुलिस की तेज तर्रारी इतनी बढ़ गई कि रमेश सिंह के स्वर्गीय पिता राधे श्याम सिंह के ऊपर भी शांति भंग होने का मुकदमा जड़ दिया। समन मिलने पर सीधे साधे रमेश सिंह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो इस बात से बौखला गया कि 3 वर्ष पहले मर चुके पिता राधे श्याम को अदालत में वो कैसे हाजिर करे और कैसे उनकी जमानत कराए, और यदि मर चुके पिता को कोर्ट में पेश नहीं करता है तो नियमानुसार उसकी संपत्ति की कुर्की भी हो सकती है। शायद रमेश सिंह इस पसोपेश में उलझा रहेगा, लेकिन निगोही पुलिस में इतनी ताकत जरूर होगी कि वो यमराज के यहाँ से राधे श्याम को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर सके। उधर एसपी सिटी संजय कुमार से जब फोन पर रिसेंटली न्यूज ने जानकारी ली तो उन्होंने प्रकरण की गंभीरता को नकारते हुए कहा कि रमेश के भाई सियाराम की जगह उसके पिता राधे श्याम का नाम लिख गया है। मामले की जांच सीओ सदर कर रहे हैं, यदि जानबूझकर ऐसा किया गया है तो कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी की इस बात से ये जाहिर होता है कि यदि लापरवाही की गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पुलिस को लापरवाही करने का जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। हाँ, ये हमारे पिताजी हैं, ये 3 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, 3री साल चल रही है इस समय, और इन्होंने 7/16 लगा दी है। क्या, क्यों 7/16 लगाई गई? हमारा खेत का मैटर चल रहा था कटेरिया से। कौन कटेरिया? वो राजवीर सिंह। अच्छा, उन्होंने हमारा खेत जोत लिया, हमने एप्लीकेशन लगाई, इसमें पुलिस वालों ने हम पे 7/16 लगा दी है। अच्छा, किस पे 7/16 हुई है? हम पे है, और राधे से हम ये मृतक हैं इन पे है, और हमारे चाचा रक्षपाल पे है। अच्छा अच्छा, तुमने किसी शिकायत करी है? हमने अभी किसी शिकायत नहीं, हमें 10 तारीख को मालूम हुआ इसलिए हमने अभी शिकायत नहीं की। अच्छा, किससे शिकायत करी? वो हमने खेत के बारे में, हाँ खेत के बारे में हमने थाने में तहरीर दी, और SDM साहब को भी दी, और तहसीलदार को भी दी। नहीं, ये बताया कि हमारे पिताजी से जो है दो तीन साल पहले मृतक हो चुके हैं, उस पर 7/16 वाली शिकायत करी कहीं? नहीं, अभी नहीं कहीं, हमें 10 तारीख को मालूम हुआ, अभी करने को कल करेंगे हम। किससे करेंगे आप? हम अधिकारी से करेंगे। हमारा नाम रमेश सिंह है, ढकिया तिवारी रहते हैं, और हमारे पिता करीब 3 साल ख़त्म हो गए पहले, ठीक, और हमारा खेत का मैटर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर हम फिर 7/16 तैयार लगा दी है। अच्छा, किन पे 7/16 हुई है? हम पे है, हम रमेश सिंह पे है, हमारे चाचा रक्षपाल पे है, ठीक, और हमारे पिता मृतक जो हैं उन पे 7/16 लगा दी राधे श्याम सिंह पे। अच्छा, तुम्हारे पिता कितने पहले ख़त्म हुए थे? 3 साल हो गए लमसम, 3री साल चल रही है इस समय। अच्छा अच्छा अच्छा, जब उसके बाद में जब 7/16 भाई तो जमानत किसने कराई? हमने कराई, हमारे चाचा ने कराई। आपको क्या नाम है? रमेश सिंह। आपके चाचा को? रक्षपाल सिंह।
मृतक कौन है? मेरे पिता राधेश्याम सिंह। कितने वर्ष हो गए? 3 वर्ष हो गए हैं। किसी अधिकारी शिकायत करी है? अभी किसी अधिकारी शिकायत नहीं करी।